हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी कार्डिगन बुनना सिखाऊंगी। इस कार्डिगन को मैंने न्यू बॉर्न से लेकर 6 मंथ के बेबी के साइज के अकॉर्डिंग बुना है। तो चलिए कैसे हमें इसको बुनना है स्टार्ट करते हैं। बेबी कार्डिगन को बुनने के लिए सबसे पहले हम 73 स्टिचेस 73 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। अब स्टिचेस डालने के बाद ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से काउंट करते हुए हमें टोटल 10 रोज 10 सलाइयां बुनकर कम्प्लीट करनी है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। इनको उल्टा उल्टा बुनकर हमें कंप्लीट करना है। जब भी हम कोई भी रो बुनेंगे तो फर्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है। इस तरह से इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को ऐसे उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी 10 में से पहले 6 रोज बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम 7th रो पर आएंगे राइट साइड में, यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो पहले ये 6 रोज हम इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। 6 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड 7th रो पर आ गए हैं, यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। 7 स्टिचेस 7 फंदे इस साइड और 7 फंदे इस साइड यहाँ पे हम बटन स्ट्रिप के लिए रखेंगे। तो स्टार्टिंग के जो ये 7 स्टिचेस है, इन पर हम इस 7th रो में बटन होल बनाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब हम धागा सिलाई पर इस तरह से लपेटते हुए आगे ले आएंगे और नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमने इन 7 स्टिचेस पर 7 फंदों पे बटन होल बना दिया है। आगे जाके जब हम बटन होल बनाएंगे तो 7 स्टिचेस पर हमें इसी तरह से बटन होल बनाना है। अब इसके बाद उल्टा उल्टा बुनते हुए हम वैसे ही दोनों साइड से इन रोज को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल ये 10 रोज अब हम बुन लेते हैं। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए टोटल ये 10 रोज 10 सलाइयां मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। राइट साइड से जब ये उल्टी उल्टी लाइंस हम काउंट करेंगे तो ये हमें 5 नजर आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब राइट साइड 11th रो से हम आगे का पार्ट बुनेंगे जिसमें सेंटर के स्टिचेस पर हम डिजाइन सेट करेंगे। तो अब स्टार्टिंग के जो हमारे 7 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के हैं, 7 फंदे, उनमें से जो पहला फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। टोटल ये 7 स्टिचेस 7 फंदे हमारे बटन स्ट्रिप के कंप्लीट हो चुके हैं। अब धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और नेक्स्ट 6 स्टिचेस पर अब हम डिजाइन सेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे 6 फंदे हैं उनमें से स्टार्टिंग के 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे। जब हमने धागा आगे लाकर 1 फंदा सीधा बुना तो 40 से 1 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो जब हमने धागा आगे लाकर 2 फंदों को सीधा बुना तो 1 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। फिर धागा आगे लाकर 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने जैसे यहाँ पे इन 6 स्टिचेस पर 6 फंदों के डिजाइन को सेट किया है, इसी प्रोसेस को आगे 6-6 फंदों पर हम रिपीट करते जाएंगे। तो अब देखिए धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा फिर सीधा बुनेंगे, ये जाली हमारी बन गई। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ये दूसरी जाली से भी फंदा बढ़ गया। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से ये 6 स्टिचेस पर डिजाइन को हमने फिर से रिपीट कर दिया है। अब एक बार और आप इसे देख लीजिए, धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 6 स्टिचेस पर डिजाइन को फिर हम सेट करेंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इन 6 स्टिचेस पर फिर से हमने डिजाइन को बुन लिया है। अब आगे ऐसे ही इन 6-6 फंदों पर डिजाइन को हम रिपीट करते जाएंगे,
लास्ट के 12 फंदों से पहले जितने भी हमारे पास फंदे हैं उन 6-6 फंदों पर इस तरह से इस डिजाइन को हम बुनते जाएंगे। 6-6 स्टिचेस पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ चुके हैं। अब हमारे पास ये 12 फंदे बचे हैं, इनमें से जो 7 फंदे हैं वो तो हमारे बटन स्ट्रिप के हैं। यहाँ पे जिस तरह से हम 6-6 फंदों पर डिजाइन सेट करते आ रहे थे, तो अब हम यहाँ पे इन 5 फंदों पे सिर्फ डिजाइन सेट करेंगे। ये एक उल्टा फंदा जो हम गैप के लिए बुन रहे थे इसको हम नहीं बुनेंगे। तो अब नेक्स्ट 5 फंदों पे देखिए डिजाइन को कैसे हम सेट करेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे लास्ट में 5 फंदों पे डिजाइन सेट कर दिया है। अब ये हमारे 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, धागा आगे लाकर इनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 11th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 12th रो पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड की रोज जो भी हम बुनेंगे उन्हें हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। इस रो को भी हम उल्टा बुनेंगे और आगे भी जो रॉन्ग साइड की रोज आएंगी उनको भी हमें इस रो की तरह ही बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 12th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड में 13th रो पर आ जाएंगे। इससे पहले जो हमने राइट साइड की 11th रो बुनी थी उस रो में जाली के थ्रू फंदे इंक्रीज किए थे। टोटल 20 फंदे 20 स्टिचेस हमने 11th रो में बढ़ा दिए थे। 73 स्टिचेस हमारे पास स्टार्टिंग में थे, 73 फंदे और 20 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए। टोटल 93 स्टिचेस हमारे पास अब हो गए हैं। इसके बाद जो हम ये 13th रो बुनेंगे इसमें फिर से हम 20 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। तो अब राइट साइड 13th रो में जो स्टार्टिंग के हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुन लेंगे। बटन स्ट्रिप के इन स्टिचेस को यहां तक बुन लेने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट हम 8 फंदों पे डिजाइन सेट करेंगे। 11th रो में हमने 6 स्टिचेस पर डिजाइन सेट किया था, 6 फंदों पे डिजाइन यहाँ पे बनाया था, लेकिन 2 फंदे हमने जाली से इस रो में बढ़ा दिए थे तो अब ये फंदे हमारे 8 हो गए हैं। अब हम 8 स्टिचेस पर यहाँ पे डिजाइन सेट करेंगे। तो नेक्स्ट 8 स्टिचेस पर 8 फंदों पे देखिए कैसे हमें डिजाइन को सेट करना है। स्टार्टिंग के ये जो 3 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद ये हमारा फंदा आ जाएगा जिसमें हमने 11th रो में राइट साइड में एक एक फंदा जाली से बढ़ाया था। तो अब ये हमारा मार्क बन चुका है। राइट साइड की जो भी हम रोज बुनेंगे उसमें इस फंदे के दोनों साइड एक एक फंदा हमें बढ़ाना है और जो भी फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे वो इन फंदों में और इन फंदों में इंक्लूड हो जाएंगे। 11th रो में हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे बुने थे, लेकिन ये जो 13th रो है इसमें हम 3 फंदे अब सीधे बुन रहे हैं। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, जाली से एक फंदा हमारा यहाँ इंक्रीज हो गया, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो जब हमने धागा आगे लाकर 3 फंदे सीधे बुने दूसरी जाली भी हमारी यहाँ पे बन गई। अब इस तरह से इन फंदों को बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ऐसे हमने इन 8 फंदों पे डिजाइन सेट कर दिया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट 8-8 फंदों पे हम डिजाइन सेट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट 8 फंदों पे फिर से देखिए कैसे हमें डिजाइन को सेट करना है। धागा पीछे लेकर जाएंगे, स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली से फंदा बढ़ गया, धागा फिर आगे लेकर आएंगे, अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, यहाँ पे फिर जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से 8-8 फंदों पे इस डिजाइन को आगे हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास 14 स्टिचेस से पहले जितने भी 8-8 फंदे हैं उन पे हम इसी तरह से इस डिजाइन को बुनते जाएंगे। 8-8 फंदों पे डिजाइन को सेट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे पास ये 14 फंदे बचे हैं, 14 स्टिचेस हैं। तो अब ये स्टार्टिंग के 7 स्टिचेस 7 फंदों पे हम डिजाइन सेट करेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बुनेंगे,
धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे। इन सात फंदों पे डिजाइन को सेट करने के बाद अब हमारे ये बटन स्ट्रिप के 7 स्टिचेस आ जाएंगे। धागा पीछे से आगे लाकर इनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 13th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमारे 20 स्टिचेस फिर इंक्रीज हो गए हैं। अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 113 है, 113 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की 14th रो है इसको हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 14th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 15th रो पर आ जाएंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। अब हम 10 फंदों पे डिजाइन सेट करेंगे। स्टार्टिंग के 4 फंदे हम सीधा बुनेंगे, चार फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे। इन चार फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमने इन 10 फंदों पर डिजाइन को सेट कर दिया है। अब आगे 10-10 फंदों पर इसी तरह से इस डिजाइन को हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे टोटल ये 16 फंदे, इनसे पहले जितने भी फंदे हैं 10-10 फंदों पर, इसी तरह से हम इस डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। 10-10 फंदों पे डिजाइन को रिपीट करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे पास ये 16 फंदे बचे हैं, 16 स्टिचेस हैं। अब धागा पीछे ले जाकर नेक्स्ट 9 स्टिचेस पर, 9 फंदों पर हम डिजाइन सेट करेंगे। स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 9 स्टिचेस पर डिजाइन को सेट करने के बाद अब हमारे ये 7 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के हैं। धागा पीछे से आगे लाकर इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 15th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमारे 20 फंदे फिर इंक्रीज हो गए हैं। टोटल स्टिचेस हमारे पास 133 हैं, 133 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारे रॉन्ग साइड की रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारी रो को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सिक्सटींथ रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड 17th रो पर आ गए हैं। स्टार्टिंग के बटन स्ट्रिप के स्टिचेस फर्स्ट फंदा स्लिप करके हम उल्टा बुन लेंगे। बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हम नेक्स्ट 12 फंदों पे डिजाइन सेट करेंगे। स्टार्टिंग के 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे, पांच फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इन 12 फंदों पे डिजाइन को सेट कर दिया है। अब जैसे हमने इन 12 स्टिचेस को बुना है, ऐसे ही नेक्स्ट 12 स्टिचेस पर 12 फंदों पर हम डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास जो 18 स्टिचेस हैं, 18 फंदे हैं, उनसे पहले जितने भी स्टिचेस हैं उन पे इस डिजाइन को रिपीट करते हुए हम बुनते जाएंगे। इन स्टिचेस को बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे पास ये 18 फंदे बचे हैं, इनमें से जो स्टार्टिंग के 11 फंदे हैं इन पर हम डिजाइन सेट करेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, स्टार्टिंग में 5 फंदे सीधे बुनेंगे, पांच फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे।
इन 11 फंदों को बुन लेने के बाद अब हमारे ये 7 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के हैं, धागा आगे लाकर इनको उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 17th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमारे 20 फंदे फिर इंक्रीज हो गए हैं। अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 153 हैं, 153 फंदे हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 18th रो पर आ जाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की 18th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 19th रो पर आ जाएंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बटन स्ट्रिप के इन स्टिचेस को बुन लेने के बाद धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट हम 14 फंदों पर डिजाइन को सेट करेंगे। स्टार्टिंग के 6 स्टिचेस, 6 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। सिक्स स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 6 स्टिचेस सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमने इन 14 स्टिचेस पर 14 फंदों पे डिजाइन को सेट कर दिया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट 14 स्टिचेस पर डिजाइन को हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट के 20 स्टिचेस से पहले जितने भी हमारे पास ये फंदे हैं, इन पे हम इस डिजाइन को इसी तरह से बुनते जाएंगे। इन 14 स्टिचेस पर डिजाइन को बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये 20 फंदे हैं, 20 स्टिचेस हैं। अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे और स्टार्टिंग के जो ये 13 फंदे हैं, इन पर हम डिजाइन सेट करेंगे। इन 13 स्टिचेस में से पहले हम 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधा बुन लेंगे। सिक्स स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमने इन 13 फंदों पे डिजाइन को सेट कर दिया है। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 19th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमारे 20 स्टिचेस फिर से इंक्रीज हो गए हैं, तो अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 173 हैं, 173 फंदे हो गए हैं। इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की 20th रो है, इसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 20th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास स्टिचेस ज्यादा हो गए थे तो मैंने इनको सर्कुलर नीडल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड 21st रो पर आ जाएंगे। अब आप ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे डिजाइन को डालते हुए जब बुना तो ये हमारी 10 लीव्स बन गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम यहाँ पे इन लीव्स को इस तरह से क्लोज करेंगे। आगे हम स्टिचेस इंक्रीज नहीं करेंगे। तो अब 21st रो से राइट साइड से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन फंदों को बुन लेने के बाद अब हम धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। अब हमें यहाँ पे एक जाली से फंदा बढ़ाना है, तो उसके लिए धागा पीछे है, सिलाई पर इस तरह से लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। अब हम यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं, इनको पहला फंदा ऐसे लेंगे, पलटकर सिलाई पर ऐसे डालेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। तो जो हमने यहाँ पे जाली बनाई थी, 2 फंदों का एक करने से एक फंदा कम हो गया था, वो यहाँ पे इस जाली से सेट हो गया है। अब इसके बाद काउंट करते हुए हम 11 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन और ये इलेवन। 11 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब ये हमारे लास्ट में दो फंदे हैं, इनको हम इस तरह से लेंगे फ्रंट लूप से और दो फंदों का सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। इस तरह से हमने 15 फंदों को बुन लिया है। अब जब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में दो फंदों का एक किया था सीधा बुनते हुए, तो उससे पहले जाली हमने बना दी थी, तो यहाँ का जो एक फंदा कम हुआ था वो तो हमारा इस जाली से सेट हो गया है। अब यहाँ पे जो हमने दो फंदों का एक किया है, वो जो एक फंदा हमारा कम हुआ है, इसको हम इस फंदे को बुनने से पहले यहाँ पे जाली बनाकर सेट कर देंगे। तो इसके लिए धागा हमारा पीछे है, ऐसे आगे लेकर आएंगे सिलाई पर लपेटते हुए, फिर आगे ले आएंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। आप ये देखेंगे 15 फंदे तो ये और एक ये उल्टा फंदा, टोटल इन 16 फंदों पे जिस तरह से हमने यहाँ पे इस डिजाइन को बुना है, ऐसे ही हम 16 फंदों पर इस डिजाइन को आगे रिपीट करते जाएंगे। तो अब रिपीट देखिए हमें कैसे करना है। अब हम यहाँ पे इन 16 फंदों को जब बुनेंगे, तो पहले हम यहाँ पे एक जाली बनाएंगे। धागा हमारा आगे है, तो इस तरह से हम सिलाई पर लपेटते हुए पीछे ले जाएंगे। अब हम इन दो फंदों को, स्टार्टिंग के जो दो फंदे हैं, इनमें से पहला फंदा ऐसे लेंगे, इसको पलटकर सिलाई पर इस तरह से डाल देंगे, फिर सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। दो फंदों का एक बनाने के बाद अब नेक्स्ट काउंट करते हुए 11 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। ग्यारह फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे लास्ट के इन दो फंदों को ऐसे लेंगे, इकट्ठा एक साथ सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। फिर हम धागा इस तरह से लपेटते हुए सिलाई पर आगे ले आएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब जैसे मैंने आपको ये 16 स्टिचेस पर डिजाइन को रिपीट करके बताया है, ऐसे ही नेक्स्ट 16 स्टिचेस पर इसको बुनते हुए हम यहां से यहां तक, ये हमारी जो लास्ट लीफ है और ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनसे पहले के यहाँ के इन 16 फंदों पर इसी तरह से इस डिजाइन को बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इन 16 फंदों पर डिजाइन को बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे ये जो 15 फंदे हैं, इनको भी हमें वैसे ही बुनना है। धागा हमारा आगे है, सिलाई पर इस तरह से लपेटते हुए हम ऐसे पीछे ले जाएंगे। अब ये जो हमारे फंदे हैं, इनमें से पहला फंदा ऐसे हम लेंगे, पलटकर सिलाई पर इस तरह से डाल देंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो फंदों का हम एक बना देंगे। इसके बाद 11 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। ग्यारह फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब लास्ट में हमारे ये 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं। इससे पहले ये 2 सीधे फंदे हैं, इनको हम ऐसे सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। अब यहाँ पे तो हमने जब दो फंदों का एक बनाया, जाली डालकर यहाँ पे उस फंदे की कमी को सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे भी जब दो फंदों का एक बना चुके हैं, तो एक फंदा हमारा कम हो गया है, तो उसको हम इन 7 फंदों को बुनने से पहले जाली से बढ़ा लेंगे। तो इसके लिए धागा इस तरह से लपेटते हुए आगे ले आएंगे और इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 21st रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 22nd रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो ऐसे ही हमें बुननी है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 22nd रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 23rd रो पर आ गए हैं। इस रो में स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इनको हम उल्टा बुन लेंगे। बटन स्ट्रिप के इन स्टिचेस को बुन लेने के बाद अब जो नेक्स्ट हमारे 16 स्टिचेस हैं, इनको देखिए हमें किस तरह से बुनना है। यहां तक इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा हमारा आगे है, तो इन 16 फंदों में से ये जो पहला फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे जाली से एक फंदा बढ़ाएंगे,
तो जिसके लिए धागा हम ऐसे आगे से पीछे ले जाएंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। अब ये जो हमारे नेक्स्ट फंदे हैं, दो फंदों में से पहला फंदा, इस फंदे को हम ऐसे लेंगे, पलटकर इस तरह से सिलाई पर डाल देंगे और बैक लूप से दो फंदों को सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब हम नेक्स्ट 9 फंदे सीधे बुन लेंगे। इन 9 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को हमें इकट्ठा एक साथ लेना है, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाना है। अब यहाँ पे 2 फंदों का एक बनाने से जो फंदे की कमी हुई है उसको हम यहीं पे जाले डालकर कंपनसेट कर लेंगे। तो धागा पीछे से हम ऐसे आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। अब ये जो हमारे नेक्स्ट 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। तो यहां तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस के बाद से यहां से लेकर यहां तक इन 16 फंदों पे हमने इस डिजाइन को सेट कर दिया है। जैसे हमने इन 16 फंदों को बुना है, इसी तरह से नेक्स्ट 16 फंदों को हम बुनते जाएंगे। तो अब देखिए फिर से हम रिपीट कैसे करेंगे। यहां नेक्स्ट जो हमारे फंदे हैं इनमें से पहला फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद फिर हम धागे को इस तरह से पीछे ले जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे, जो कि हमें जाली यहाँ पे बनानी है। अब नेक्स्ट 2 फंदों में से जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे, सिलाई पर पलटकर ऐसे डाल देंगे, फिर 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर 9 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। नौ फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर हमें यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाना है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे, फिर हम 2 फंदे ऐसे उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से जैसे फिर से मैंने यहाँ पे 16 फंदों पे डिजाइन को रिपीट किया है, ऐसे ही 16 फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहां तक इसको बुन लेंगे। तो ऐसे हम इसको बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इन 16 फंदों पे डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हम इन 15 फंदों पे डिजाइन को सेट करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट फंदा है इसको तो हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा इस तरह से पीछे ले जाते हुए लपेटते हुए सिलाई पर फिर पीछे ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों में से जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे पलट कर सिलाई पर डाल देंगे, 2 फंदों को इकट्ठा लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब नेक्स्ट 9 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। नौ फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे, धागा पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे, फिर सिलाई पर लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। फिर ये जो हमारा फंदा है जो हमने पहले 21st रो में राइट साइड में जाली से बढ़ाया था इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इन 15 फंदों पे डिजाइन को सेट कर दिया है। अब हमारे ये 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनको हम उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस 23rd रो को बुन लेने के बाद अब रॉन्ग साइड की जो हमारी 24th रो है फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 24th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 25th रो पर आ गए हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस है फर्स्ट फंदा स्लिप करके इनको हम उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 16 फंदों पे हम डिजाइन को सेट करेंगे। तो उसके लिए देखिए धागा हमारा आगे है, स्टार्टिंग के 2 फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे। इन 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे। इसके लिए धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों में से
इस पहले फंदे को ऐसे हम लेंगे, पलटकर सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। बैक लूप से दो फंदों को सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब हम काउंट करते हुए 7 स्टिचेस, 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। सात फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा एक साथ ऐसे लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। अब हम यहाँ पे जाली से एक फंदा बढ़ाएंगे, क्योंकि दो का एक जो हमने किया है, एक फंदे की कमी हो गई है, तो धागा इस तरह से आगे लाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। अब नेक्स्ट हम 3 फंदे उल्टा बुनेंगे। इस तरह से यहां तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस के बाद से यहां तक 16 फंदों पे हमने डिजाइन को सेट कर दिया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट 16 फंदों पर ऐसे ही हम डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे लास्ट के ये जो 15 फंदे हैं और 7 फंदे ये बटन स्ट्रिप के हैं, इनसे पहले यहाँ तक ऐसे ही 16 फंदों पर हम डिजाइन को रिपीट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इन फंदों को बुना है। तो इस तरह से इनको हम अब बुन लेते हैं। 16 फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे एंड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे इन 15 फंदों पर डिजाइन को सेट करेंगे। इसके लिए देखिए, स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे, धागा इस तरह से पीछे ले जाते हुए सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। अब नेक्स्ट दो फंदों में से इस फंदे को ऐसे लेंगे, पलटकर सिलाई पर इस तरह से डाल देंगे और दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब नेक्स्ट 7 फंदे सीधे बुनेंगे। सेवन स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट ये जो दो फंदे हैं, इनको इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। अब हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे, धागा पीछे से आगे लाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे दो फंदे उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इन 15 फंदों पे डिजाइन को सेट किया है। अब यहां तक बुन लेने के बाद 7 स्टिचेस हमारे बटन स्ट्रिप के आ जाएंगे, इनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 25th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 26th रो पर आ जाएंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 26th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 27th रो पर आ गए हैं। इस रो में जो हमारे स्टार्टिंग के बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट स्टिचेस को हम उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। यहां तक ये 7 स्टिचेस, 7 फंदे हमारे बटन स्ट्रिप के कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट 16 फंदों पर इस डिजाइन को हमें देखिए इस रो में कैसे सेट करना है। अब यहाँ पे 16 फंदों में से स्टार्टिंग के 3 फंदे उल्टा बुन लेंगे। 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे। इसके लिए धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों में से इस फंदे को ऐसे लेंगे, पलटकर सिलाई पर इस तरह से डाल देंगे, फिर दो फंदों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 5 फंदे, 5 स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। फाइव स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। अब यहां पे फिर से हम जाली से फंदा बढ़ाएंगे, धागा इस तरह से आगे लाकर सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। अब नेक्स्ट हम 4 फंदे उल्टा बनेंगे। इस तरह से बटन स्ट्रिप के स्टिचेस के बाद से इन 16 फंदों पे हमने डिजाइन को सेट कर दिया है। जैसे हमने यहां पे इन फंदों को बुना है, ऐसे ही इन 16 फंदों पर हम इस डिजाइन को रिपीट करते हुए एंड में यहां तक
जो 15 फंदे हमारे ये हैं इस पार्ट के और 7 फंदे बटन स्ट्रिप के। इससे पहले यहाँ तक 16-16 फंदों पर डिजाइन को सेट करते हुए ऐसे ही रिपीट करके हम बुन लेंगे। 16-16 फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए यहाँ पे अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब ये हमारे जो 15 फंदे हैं इन पर हम डिजाइन को देखिए ऐसे सेट करेंगे। स्टार्टिंग में वही 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा इस तरह से लपेटते हुए सिलाई पर पीछे ले जाएंगे। नेक्स्ट 2 फंदों में से इस फंदे को पलटकर सिलाई पर ऐसे डाल देंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक बना देंगे सीधा बुनते हुए। अब नेक्स्ट 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। पांच फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब यहाँ पे जाली से हम फंदा बढ़ाएंगे, धागा ऐसे आगे लाकर सिलाई पर लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमने इन 15 फंदों पे इस डिजाइन को सेट कर दिया है। अब ये हमारे 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनको भी उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 27th रो बनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 28th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 28th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 29th रो पर आ गए हैं। इस रो में जो स्टार्टिंग के हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहां तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुनने के बाद अब हम नेक्स्ट 16 फंदों पर डिजाइन को देखिए इस रो में कैसे सेट करेंगे। अब 16 फंदों में से स्टार्टिंग के जो 4 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। चार फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे, इसके लिए धागा पीछे ले जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों में से पहला फंदा ऐसे हम लेंगे, पलटकर सिलाई पर इस तरह से डाल देंगे। अब 2 फंदों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। नेक्स्ट अब हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट इन 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद जाली से फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, धागा ऐसे आगे लाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। अब हम यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों के बाद यहां से काउंट करते हुए इन 16 फंदों पर जैसे हमने इस डिजाइन को बुना है, इसी तरह से नेक्स्ट 16-16 फंदों पर इस डिजाइन को बुनते हुए हम यहां तक कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट में हमारे ये जो 15 फंदे इस पार्ट के हैं और 7 फंदे हमारे ये बटन स्ट्रिप के हैं, इनको बुनेंगे। तो इससे पहले यहां तक इन 16-16 फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम ऐसे ही बुन लेंगे। 16-16 फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब इन 15 फंदों पर हम डिजाइन को सेट करेंगे। स्टार्टिंग के 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 4 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। नेक्स्ट 2 फंदों में से पहले फंदे को ऐसे लेंगे, पलट कर सिलाई पर डाल देंगे, फिर बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे। नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर धागा ऐसे आगे लाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। अब हम यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 15 फंदों पे डिजाइन को सेट करने के बाद बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों को भी उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 29th रो बुन ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 30th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे।
रॉन्ग साइड की 30th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 31st रो पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बटन होल बनाकर बताया था। इसके बाद ये उल्टे उल्टे लाइंस जब हमारी 11 कंप्लीट हो जाएंगी, 11 कंप्लीट हो जाएंगी, फिर जब 12वीं हमारी इस तरह की उल्टी लाइन आएगी उस पे हमें बटन होल बनाना है। तो आप देखिए इस बटन होल के बाद ये लाइंस हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हमारी 11 उल्टी लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इस रो में यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। इसके लिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पर इस तरह से लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इन 7 फंदों पे बटन होल बना दिया है। अब इन 7 स्टिचेस को बुन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट 16 फंदों पर इस रो में देखिए डिजाइन को कैसे सेट करेंगे। अब स्टार्टिंग में हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। पांच फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहां पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे, धागा इस तरह से पीछे ले जाते हुए सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। नेक्स्ट दो फंदों में से पहला फंदा ऐसे लेंगे, पलटकर सिलाई पर डालेंगे, फिर दो फंदों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब हम यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुन लेने के बाद अब इन दो फंदों को भी इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद ऐसे धागा आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। अब हम यहाँ पे 6 स्टिचेस 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमने इन 16 फंदों पर डिजाइन को सेट कर दिया है। अब आगे जैसे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस के बाद से इन 16 फंदों को हमने बुना है, इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए नेक्स्ट 16 फंदों पर बुनते हुए यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको अब हम बुन लेते हैं। इन फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब इन 15 फंदों पर हम डिजाइन सेट करेंगे। स्टार्टिंग के 5 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। पांच फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदों में से पहला फंदा ऐसे लेंगे, पलटकर सिलाई पर डाल देंगे, फिर दो फंदों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट इन दो फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब यहाँ पे हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे जिसके लिए धागा इस तरह से आगे लाकर सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से इन 15 फंदों पे डिजाइन को सेट करने के बाद ये हमारे 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनको उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 31st रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। फिर रॉन्ग साइड की रो 32nd रो फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 32nd रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 33rd रो पर आ गए हैं। इस रो में स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं उनमें से फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को यहां तक बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 16 फंदों पर 16 स्टिचेस पर डिजाइन को इस रो में देखिए कैसे हमें सेट करना है। नेक्स्ट 16 फंदों में से स्टार्टिंग के जो हमारे 6 फंदे हैं, 6 स्टिचेस हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। सिक्स स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहां पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे, धागा हमारा आगे है, ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ये 3 फंदे हैं इनका हमें एक बनाना है। इसके लिए जो ये पहला फंदा है इसको हम इस तरह से स्किप करेंगे,
इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट दो फंदों को ऐसे हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। फिर जो हमने ये फंदा स्लिप किया है ऐसे इस फंदे को हम इस सिलाई से लेंगे और दो का एक किए हुए फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से हमने इन तीन फंदों का एक बना दिया है। अब तीन फंदों का एक बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे, जिसके लिए धागा हमारा पीछे है, ऐसे आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। अब हम सात फंदे 7 stitches उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इन 16 स्टिचेस को हमने बुन लिया है। बटन स्ट्रिप के स्टिचेस के बाद से यहां तक जैसे इन 16 फंदों को हमने बुना है, इसी तरह से नेक्स्ट 16 फंदों पर इस डिजाइन को हम रिपीट करते जाएंगे। इसी तरह से 16 फंदों को हम बुनते जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बुना है, और इस तरह से हम यहां तक ऐसे ही इस डिजाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 16 फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब इन 15 फंदों पर हम डिजाइन देके कैसे सेट करेंगे। स्टार्टिंग के 6 stitches 6 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। सिक्स स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे, धागा आगे है, ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए ऐसे फिर पीछे ले जाएंगे। अब इन तीन फंदों का हमें एक बनाना है। इसमें से ये जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इस स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे हम लेंगे और इन दो का एक किए हुए फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से तीन फंदों का एक करने के बाद अब धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए ऐसे आगे ले आएंगे। अब हम नेक्स्ट 6 फंदे 6 stitches उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इन 15 फंदों पे हमने डिजाइन यहाँ पे सेट कर दिया है। अब ये हमारे 7 stitches बटन स्ट्रिप के हैं, जिनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 33rd रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 34th रो पर आ जाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप करने के बाद पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 34th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 35th रो पर आ गए हैं। यहां से अब ये पार्ट हमारा इस तरह से इतना बुनकर कंप्लीट हुआ है। अब आगे जो पार्ट हम बुनेंगे 35th रो में हम स्टिचेस को इंक्रीज करेंगे। यहां से यहां तक इतना पार्ट बुनने में हमने स्टिचेस इंक्रीज नहीं किए। जो हमने ये जाली से फंदे बढ़ाए हैं, जहां भी हमने 2 का 1 फंदा किया था उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने जाली से फंदा बढ़ाया है। तो इस तरह से यहां तक हमने इस डिजाइन को बुन लिया है। अब 35th रो में यहां स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुन लेंगे। बटन स्ट्रिप के इन 7 stitches को कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। आठ फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हमें एक फंदा इंक्रीज करना है। तो फंदा देखिए हम कैसे इंक्रीज करेंगे। इस धागे को ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से ये एक राउंड बन जाएगा। इस राउंड को ऐसे हम पकड़ेंगे, सिलाई पर डाल देंगे और फिर इस धागे को ऐसे पकड़कर खींच देंगे। इस तरह से जब आप फंदा बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ पे उल्टा फंदा बुना है। तो इस फंदे को ऐसे बढ़ाने के बाद अब नेक्स्ट फिर से हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। आठ फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर से ऐसे ही फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमने यहां पे बढ़ाया था। धागे को इस तरह से लेंगे, ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से यहां पे हाथ रखेंगे और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग को सिलाई पर डाल देंगे
फिर ऐसे पकड़कर जब धागा हम ऐसे खींचेंगे तो फंदा हमारा बढ़ जाएगा। इस फंदे को बढ़ाने के बाद फिर से हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ऐसे एक फंदा बढ़ाएंगे, तो ऐसे 8-8 फंदों के बाद, 8 फंदे उल्टा बुन लेने के बाद फिर एक फंदा हम ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से यहां तक इसको हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 8 फंदों को उल्टा बुनने के बाद एक फंदा बढ़ाकर, फिर 8 फंदों को उल्टा बुनकर एक फंदा बढ़ाकर, इसी सीक्वेंस से मैंने यहां तक इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पे एक फंदे को मैंने बढ़ा दिया है। अब हमारे पास ये जो फंदे बचे हैं 14 है, 14 फंदे हैं, इनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब ये हमारी 35th रो बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। इस रो में हमने टोटल 19 स्टिचेस, 19 फंदे बढ़ाए हैं। 173 स्टिचेस हमारे पास पहले थे, 19 फंदे यहाँ पर बढ़ाने से अब टोटल 192 फंदे हो गए हैं। इसके बाद अब हमारी ये जो रॉन्ग साइड की रो है इसे हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की 36th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 37th रो पर आ जाएंगे। अब हमें राइट साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से रोज कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, राइट साइड की रो को भी उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड में भी फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से अब हम यहां से राइट साइड से काउंट करते हुए टोटल 8 सलाइयां बुनकर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए अब हम टोटल ये 8 सिलाइयां कंप्लीट कर लेंगे। यहां से राइट साइड से काउंट करते हुए टोटल ये 8 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। यहां तक टोटल हमारी ये 44 रोज हो गई हैं। अब हम राइट साइड 45th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, तो अब हम राइट साइड 45th रो में स्टार्टिंग के जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं उनको उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहां तक ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस बुन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट 9 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरह से 9-9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। जैसे हमने 35th रो में 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर एक फंदा बढ़ाया था, इसी तरह से अब यहां पर हम बटन स्ट्रिप के स्टिचेस बुन लेने के बाद 9 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले हम 9 फंदे उल्टा बुन लेते हैं। नाइन स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद फिर वैसे ही हम यहां पे फंदा बढ़ाएंगे, धागे को इस तरह से घुमाएंगे, सिलाई पर इस तरह से डाल देंगे और इसको पकड़कर खींच देंगे। अब इसी तरह से 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा हम ऐसे ही इसी सीक्वेंस से बढ़ाते हुए यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे इस रो को हम बुन लेते हैं। यहां तक मैंने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये एक फंदा बढ़ाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये 14 फंदे बचे हैं, इनको उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन स्टिचेस को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब हमारी ये 45th रो बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। इस रो में हमने 19 स्टिचेस, 19 फंदे फिर से बढ़ा दिए हैं, तो अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 211 है, 211 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। फिर जब हम राइट साइड में आएंगे फिर हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से अब रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए टोटल हम 5 रोज बुनेंगे, 5 सलाइयां बुनकर कंप्लीट करेंगे। इन रोज को राइट साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी फर्स्ट फंदा स्लिप करके उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना है। जैसे अभी हमने ये 8 रोज बुनी थी, इसी तरह से अब रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए यहां से हम 5 सलाइयां बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए टोटल ये 5 सलाइयां, 5 रोज दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे राइट साइड में आ गए हैं। ये यॉक पार्ट बुनने में टोटल स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक 50 रोज में हमने इसको कंप्लीट किया है। 50 सलाइयों में ये पार्ट हमारा इतना बुनकर कंप्लीट हुआ है।
इसको अगर हम मेजर करें तो नेक से लेकर यहां तक टोटल ये 4.5 साढ़े 4 इंच हमारा बुनकर तैयार हुआ है। अब हमारे पास ये 211 स्टिचेस हैं, 211 फंदे हैं। इन स्टिचेस को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें जो फ्रंट के दोनों पार्ट्स हैं इसमें हम 32 32 32 32 फंदे रखेंगे, बैक पार्ट में 57 स्टिचेस रखेंगे 57 फंदे रखेंगे, और दोनों स्लीव्स में 45 45 45 45 फंदे रखेंगे। तो इस तरह से इसका हम डिविजन करेंगे। तो इन स्टिचेस को डिवाइड करके हम मार्कर लगा लेते हैं। मार्कर्स लगाकर मैंने इन स्टिचेस को डिवाइड कर लिया है। अब 5 पार्ट्स में इनका डिवीजन करने के बाद अब राइट साइड से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये जो फ्रंट पार्ट के 32 स्टिचेस हैं यहाँ तक, पहले इनको हम उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करके सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फ्रंट पार्ट के स्टिचेस को मैंने यहां तक उल्टा बुन लिया है। अब मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये स्लीव के 45 स्टिचेस हमारे पास आ गए हैं। अब इनको जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लेंगे। जैसे हमने अभी तक इसको ड्रॉप नहीं किया है, फर्स्ट फंदा जैसे उल्टा बुना फिर इस फंदे को ऐसे हम लेंगे, बैक लूप से फिर से ऐसे उल्टा बुनेंगे, एक फंदा हमने बढ़ा लिया है और फिर से इस फंदे को ऐसे फ्रंट लूप से उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे 2 फंदे हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। यहां से इन फंदों को उल्टा बुनते हुए सेंटर में हम एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे। तो यहां तक हम सेंटर तक इनको उल्टा बुन लेते हैं। यहां से सेंटर तक मैंने ये जो फंदे हैं 45 जो स्टिचेस थे इनका हमें सेंटर लेना है। यहां तक इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब यहाँ एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे। वो फंदा जैसे हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था, धागे को इस तरह से घुमाएंगे सिलाई पर, इस तरह से डालकर धागे को ऐसे पकड़कर खींच देंगे। इस तरह से इस फंदे को बढ़ा लेने के बाद अब हम यहाँ पे लास्ट के एक फंदे से पहले सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यहां तक इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब लास्ट में ये हमारा स्लीव का एक फंदा बचा है। अब इससे पहले हमें 2 फंदे इंक्रीज करने हैं, तो इसके लिए इस फंदे को ऐसे लेंगे, बैक लूप से यहां से ऐसे सिलाई को डालते हुए पीछे से एक बार इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर इसको फ्रंट से ऐसे उल्टा बुनेंगे और फिर से ऐसे बैक से उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे 2 फंदे इंक्रीज कर दिए हैं। अब टोटल स्टिचेस जो हमने यहाँ पे स्लीव में बढ़ाए हैं वो 5 फंदे बढ़ाए हैं। 45 हमारे पास पहले थे, 5 यहाँ बढ़ाने से टोटल स्टिचेस अब 50 हो गए हैं, 50 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम यहीं से इसको टर्न कर लेंगे, आगे के पार्ट को अभी हम नहीं बुनेंगे, पहले इस स्लीव को हम तैयार करेंगे। यहां से ऐसे टर्न करके हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे और यहां से लेकर यहां तक इन सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनकर इस रॉन्ग साइड की रो को यहां तक स्लीव के स्टिचेस तक हम कंप्लीट कर लेंगे। यहां से लेकर यहां तक इस रो में इन स्टिचेस को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब स्लीव के इन स्टिचेस को रॉन्ग साइड में उल्टा बुन लेने के बाद यहां से इसको हम टर्न करके राइट साइड में आ जाएंगे और अब हम यहां से अपना पैटर्न डालते हुए स्लीव की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। आप देखिए ये जो डिजाइन हम यहाँ पे डालने वाले हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी इस डिजाइन को बुनकर बताऊंगी जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। तो अब हम यहाँ पे डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर ऐसे घुमाते हुए फिर पीछे ले जाएंगे और अब हम ये जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं
इनको इस तरह से लेंगे और ऐसे पलटकर दोनों फंदों को सिलाई पर ऐसे डाल देंगे और फिर ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। तो इस तरह से हमने जैसे इन चार फंदों को बुना है, ऐसे ही चार चार फंदों को हम एंड तक रिपीट करते जाएंगे। तो अब इन चार फंदों को बुन लेने के बाद फिर देखिए, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटते हुए धागे को फिर पीछे ले जाएंगे और फिर नेक्स्ट दो फंदों को ऐसे हम लेंगे, फिर ऐसे पलटकर सिलाई पर डाल देंगे और फिर बैक लूप से इन दोनों फंदों को सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट चार चार फंदों को हम बुनते जाएंगे। तो यहां तक इसको हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। इन चार चार फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास दो फंदे बचे हैं, तो धागा पीछे से आगे लाकर इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की डिजाइन की फर्स्ट रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। अब इस रो में जो भी फंदे हमने राइट साइड में सीधे बुने थे उनको तो हम इस रो में रॉन्ग साइड की रो में उल्टा बुनेंगे और जिन फंदों को हमने राइट साइड में उल्टा बुना था उनको हम रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे। तो अब देखिए, स्टार्टिंग के ये जो दो फंदे हैं ये सीधे नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। आप चाहें तो फर्स्ट फंदा स्लिप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिजाइन की सिक्वेंस में मैं यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप नहीं करूंगी। तो अब इन स्टार्टिंग के दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। ये वो फंदे हैं जो हमने दो फंदों का एक किया था सीधा बुनते हुए राइट साइड में और एक जाली से फंदा बढ़ाया था। तो जब भी ये दो फंदे आएंगे इनको हमें उल्टा बुनना है। तो स्टार्टिंग के दो फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इन दो फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये दो फंदे सीधे नजर आ रहे हैं रॉन्ग साइड से, तो धागा पीछे ले जाकर इन दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इन दो फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर से हमारे ये फंदे आ जाएंगे जो हमने राइट साइड में दो फंदों का एक सीधा करते हुए बुना था और ये हमने जाली बनाई थी, तो धागा आगे लाकर दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो यही सिक्वेंस हमारी चलेगी, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे फिर सीधे, धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे। इसी तरह से इस सीक्वेंस से हम यहां तक इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है, दो फंदे सीधे दो उल्टे। इसी सीक्वेंस से बुनते हुए जब लास्ट में हम आए तो दो फंदे सीधे बुने हैं। अब इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड की थर्ड रो पर आ जाएंगे। अब ये डिजाइन की रो में हमें देखिए क्या चेंजेस करने हैं। स्टार्टिंग के जो दो फंदे हैं ये हम उल्टे बुनेंगे। अब इन दो फंदों में से जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चार चार फंदों पर जैसे मैं डिजाइन को यहाँ पे इस रो में आपको बुनकर बताऊंगी, इसी तरह से हर एक चार चार फंदों पर हम रिपीट करते हुए इस डिजाइन को बुनेंगे। अब नेक्स्ट चार फंदों पर देखिए कैसे हम डिजाइन को बुनेंगे। धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट ये जो दो फंदे हैं इनको हम ऐसे लेंगे इकट्ठा, इस तरह से सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। अब दो फंदों का एक बनाने के बाद हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे। इसके लिए धागे को ऐसे पीछे से आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटते हुए फिर आगे ले आएंगे। अब नेक्स्ट दो फंदे ये उल्टे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह से जैसे हमने इन चार फंदों पे डिजाइन को बुना है
ऐसे ही चार चार फंदों पे डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। आप फिर से देखिए कैसे हम इन चार फंदों को बुनेंगे। धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट ये दो फंदे इस तरह से लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे, फिर धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे सिलाई पर लपेटते हुए, फिर आगे लेकर आएंगे, फिर ये जो दो फंदे उल्टे नजर आ रहे हैं इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमने इन चार फंदों को बुन लिया है। एक बार और आप देख लीजिए कैसे हमें इसको बुनना है। नेक्स्ट चार फंदों में से स्टार्टिंग के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा हमारा आगे है ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे और फिर इन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से इन चार चार फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहां तक लास्ट तक इसको बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। चार चार फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए लास्ट तक मैंने इस रो को बुन लिया है। अब ये हमारी राइट साइड की थर्ड रो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की फोर्थ रो पर आ जाएंगे। अब इस रॉन्ग साइड की रो में स्टार्टिंग के ये जो दो फंदे हैं सीधे नजर आ रहे हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। अब हम फर्स्ट फंदा हर एक रो में स्लिप करेंगे। तो ये दो सीधे फंदों में से पहला फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। इन दो फंदों को बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट दो फंदों को हमें उल्टा बुनना है। तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर इस फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। इन दो फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये दो फंदे सीधे नजर आ रहे हैं, तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर हमारे ये दो फंदे आ जाएंगे जिनको हमें उल्टा बुनना है, तो धागा आगे लाकर इनको हम उल्टा बुनेंगे। जैसे इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये दो सीधे फंदे जो हमें नजर आ रहे हैं इनको हमें सीधा बुनना है, जिसके लिए धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। तो अब हम इसी सीक्वेंस से दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, ऐसे ही बुनते हुए इस रॉन्ग साइड की फोर्थ रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, इस सीक्वेंस से मैंने रॉन्ग साइड की फोर्थ रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारे पास ये दो फंदे सीधे आए हैं। अब ये जो हमारे डिजाइन की फोर रोज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। राइट साइड से जब अब हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो ये डिजाइन की रोज मैंने आपको बुनकर बताई हैं, इन्हीं को हम रिपीट करेंगे। तो इनको रिपीट करते हुए आगे अब इस पार्ट को इन 50 स्टिचेस पर इन स्लीव को हम बुन लेते हैं। डिजाइन की फोर फोर रोज को रिपीट करते हुए यहां तक मैंने इसको बुन लिया है। अब यहां से इसको हम मेजर करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 इंच इतना हमने इसको बुन लिया है। अब इसके बाद जो आगे का पार्ट हम बुनेंगे, इसमें हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए स्टार्टिंग में ये जो हमारे दो उल्टे फंदे हैं इनमें पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब यहां से हम इसका जब बॉर्डर बनाएंगे तो इन दो फंदों का हम एक करेंगे, लेकिन यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे। दो फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, अब यहां से इस फंदे को ऐसे पलट कर डालेंगे दूसरी सिलाई पर और दो फंदों का एक बना देंगे सीधा बुनते हुए। इस तरह से दो फंदों का एक बनाने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, अब ये दो उल्टे फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे दो फंदों का एक बनाएंगे। इन दो फंदों में से ये जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे, पलट कर सिलाई पर डाल देंगे और बैक लूप से सीधा बनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इस रो में हमें इसी तरह से करना है। ये जो भी दो फंदे आएंगे इस तरह के, तो इनमें से पहला फंदा इस तरह से पलट कर इस सिलाई पर डालेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन दो फंदों को ऐसे इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। दो फंदों का एक इस तरह से बनाने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, फिर ये जो दो उल्टे फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो इसी सीक्वेंस से फिर यहाँ पे इन दो फंदों में से पहले फंदे को पलट कर सिलाई पर डालकर दो फंदों का एक बैक लूप से सीधा बुनते हुए हम करेंगे, फिर धागा आगे लाकर दो फंदे उल्टे बुनेंगे।
इसी सीक्वेंस से बुनते हुए हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने 12 फंदे घटा दिए हैं, तो टोटल स्टिचेस अब हमारे पास 38 है, 38 फंदे हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड की रो में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हमें बुनना है। स्टार्टिंग के दो फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं, तो इनमें से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा हमारा उल्टा है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदे सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा, इसको हम उल्टा बुनेंगे, तो फिर दो सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा, इस तरह से यहां तक इसको हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राउंड साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब राइट साइड में भी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हमें इनको बुनना है। स्टार्टिंग के दो फंदे ये उल्टे नजर आ रहे हैं, तो इनमें से पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर इसके बाद ये एक फंदा सीधा है, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर दो फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदा ये सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, इस तरह से राइट साइड की इस रो में यहाँ तक इसको हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे तो हमें राइट साइड की रो बुननी है, रॉन्ग साइड की रो जैसे मैंने अभी आपको बुनकर बताई थी इस तरह से बुननी है। तो अब राइट साइड और रॉन्ग साइड से इस तरह से बुनते हुए आगे हम इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। इस बॉर्डर को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसे मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच बुना है। अब यहां तक इसको बुन लेने के बाद हम रॉन्ग साइड में इन सारे स्टिचेस को क्लोज कर देंगे। स्टिचेस को क्लोज करने के लिए स्टार्टिंग में हम दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंदा हमारा उल्टा है, तो धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे, फिर धागा हम पीछे लेकर जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट दो फंदे हमारे सीधे हैं, तो इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और इंक्लूड करेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे, फिर नेक्स्ट फंदा भी सीधा है तो धागा हमारा पीछे ही रहेगा, इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करते हुए सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और इंक्लूड करते हुए उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। तो इस तरह से हम जो फंदा जैसे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे सीधा फंदा है तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, उल्टा फंदा है तो धागा आगे लेकर आएंगे। तो इस तरह से यहां से लेकर यहां तक इन सारे स्टिचेस को हम क्लोज कर देंगे। सारी स्टिचेस को मैंने क्लोज कर दिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये लूप है, जितना थ्रेड हमें यहाँ पे स्टिचिंग के लिए चाहिए इतना रखकर एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे और इस लूप में से इस थ्रेड को ऐसे निकाल देंगे। इस स्लीव को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम यहां से फ्रंट पार्ट के स्टिचेस इतने पहले बुन चुके थे, अब इन फ्रंट पार्ट के स्टिचेस के साथ कंटिन्यू करते हुए हम बैक पार्ट के ये 57 स्टिचेस बुनेंगे। तो अब हम पहले यहाँ पे थ्रेड अटैच करेंगे। थ्रेड को अटैच करने के लिए हम यहाँ से बैक पार्ट से ऐसे एक इस तरह से लूप उठा लेंगे, इसको ऐसे सिलाई पर लेंगे और हम यहाँ पे थ्रेड को अटैच करने के लिए धागे को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर ये जो लूप हमने उठाया था इसको हम इस तरह से धागे को डालते हुए बुनेंगे और फिर इस लूप को ऐसे निकाल लेंगे। फिर ये जो हमने फोल्ड किया था धागा, इसका ये एज लेंगे और इस लूप के बीच में से ऐसे निकाल देंगे और इसको पकड़कर खींच देंगे। ऐसे हमने यहाँ पे ये थ्रेड को अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे जिसके लिए यहाँ से एक पार्ट हम ऐसे उठा लेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे और ये जो हमारा धागा है इसको आगे लाएंगे, एक फंदा ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये फंदा एक हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। इसके बाद ये जो हमारे बैक पार्ट के 57 स्टिचेस हैं, इनको हम उल्टा बुनते हुए
यहाँ पे सेंटर तक बुन लेंगे, फिर सेंटर में भी एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो यहां तक हम इसको बुन लेते हैं। बैक पार्ट के इन स्टिचेस को मैंने यहां तक उल्टा बुन लिया है। अब हम सेंटर में आ गए हैं, यहां पे हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। फंदा इंक्रीज करने के लिए धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर हम सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब इस धागे को ऐसे पकड़कर खींच देंगे। ऐसे हमने यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बैक पार्ट के हमारे स्टिचेस हैं, इनको उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक इन बैक पार्ट के स्टिचेस को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब हम नेक्स्ट जो बुनेंगे, दूसरी स्लीव बुनेंगे। दूसरी स्लीव के यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 45 स्टिचेस हैं, 45 फंदे हैं। तो इनको हमें सेम एज इट इज ऐसे ही बुनना है, जब जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के स्टिचेस को बुन लिया था। फिर जब इस स्लीव को हमें बुनना था तो हमने इसमें 5 फंदे बढ़ाए थे। अब हम यहाँ पे इस थ्रेड को तो यहीं पे रहने देंगे, यहाँ अलग से थ्रेड अटैच कर लेंगे स्लीव को बुनने के लिए, और उसमें हम यहाँ स्टार्टिंग में 2 फंदे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ तक सेंटर तक बुनकर 1 फंदा यहाँ बढ़ाएंगे और फिर 2 फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे। फिर इस स्लीव में हमारे 50 स्टिचेस हो जाएंगे, 50 फंदे हो जाएंगे। फिर रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम राइट साइड पर आएंगे तो सेम एज इट इज ऐसे ही इस डिजाइन से बुनते हुए हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करके फिर आगे इस पार्ट को बुन लेंगे। तो जैसे हमने इस स्लीव को तैयार किया है, इसी तरह से अब हम इस स्लीव को अब तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से इस स्लीव को तैयार करके हम कंप्लीट कर लेंगे। इस स्लीव को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसे मैंने सेम एज इट इज वैसे ही बुना है जैसे इस स्लीव को हमने बुनकर कंप्लीट किया था। अब इसके बाद यहाँ तक हम बैक पार्ट के स्टिचेस बुन चुके थे, थ्रेड हमने कट नहीं किया था। यहाँ अलग से थ्रेड अटैच करके इस स्लीव को हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद फ्रंट पार्ट के स्टिचेस को यहाँ तक हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से जब आप फ्रंट पार्ट के स्टिचेस को बुनेंगे तो एक फंदा हमें यहाँ पे बढ़ाना है। तो इसे बढ़ाने के लिए हम यहाँ से ऐसे ये पार्ट उठा लेंगे, इस तरह से सिलाई पर ऐसे रखेंगे। तो जब हम इसको उल्टा बुनेंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। इस फंदे को बढ़ाने के बाद अब ये जो हमारे 32 स्टिचेस हैं, 32 फंदे हैं, इनको उल्टा बुनकर यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक मैंने इनको उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के स्टिचेस इकट्ठा एक साथ हो चुके हैं। टोटल स्टिचेस हमारे पास अब 124 है, 124 फंदे हो गए हैं। यहां हमारे फ्रंट पार्ट में 32 स्टिचेस थे, तो जब हमने बैक पार्ट को बुनना स्टार्ट किया तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया था। फिर यहाँ पे भी सेंटर में बैक पार्ट के स्टिचेस में यहाँ एक फंदा बढ़ा दिया था। फिर जब यहाँ तक हमने बैक पार्ट के स्टिचेस को बुन लिया, फ्रंट पार्ट के स्टिचेस को बुना, तो तब भी यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया। इस तरह से अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 124 हो गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड की रो को हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, फिर राइट साइड से हम अपने डिजाइन को डालते हुए बुनेंगे। तो फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब राइट साइड से हम यहाँ पे सेम जो हमने ये स्लीव में डिजाइन डाला है, इसको डालते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। यहाँ पे जो 7 फंदे बटन स्ट्रिप के इस साइड और इस साइड है, इनको तो हमें राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा ही बुनना है, जैसे अभी तक हम बुनते हुए आए हैं। और आगे के जो हमारे इन फंदों के अलावा 110 फंदे जो बीच में होंगे, उन पे हम डिजाइन डालेंगे। तो इस रो में मैं आपको डिजाइन डालकर बताऊंगी। इस डिजाइन का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ, स्लीव में भी मैंने आपको ये डिजाइन बताया है। 4-4 रोज का डिजाइन है, इसी को हमें रिपीट करना है। तो इस रो में इस डिजाइन को किस तरह से सेट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्लिप के स्टिचेस हैं, 7 स्टिचेस, उनको हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। इनमें से जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यहाँ तक इन बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद अब सेंटर के जो 110 फंदे हैं जिन पे हमें डिजाइन सेट करना है, उनमें से स्टार्टिंग के 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इन 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद
अब नेक्स्ट चार फंदों पे जिस तरह से हम डिजाइन सेट करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट चार चार फंदों पर हम डिजाइन को रिपीट करते हुए यहां तक बुन देंगे। फिर लास्ट में हमारे सात फंदे ये बटन स्ट्रिप के होंगे, इनको हमें उल्टा बुनना है। तो अब देखिए इन नेक्स्ट चार फंदों को हमें कैसे बुनना है। धागा हमारा आगे है, दो फंदे उल्टे बुनने के बाद अब यहां से धागे को हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। नेक्स्ट दो फंदों को ऐसे हम लेंगे इस तरह से, फिर पलट कर सिलाई पर ऐसे डाल देंगे और फिर हम इन दोनों फंदों को इकट्ठा बैक लूप से ऐसे सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमने इन चार फंदों को बुन लिया है। अब आगे भी चार चार फंदों को इसी तरह से बुनते हुए हम रिपीट करेंगे। तो आप देखिए फिर से चार फंदे कैसे बुनेंगे। धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदों को ऐसे हम लेंगे, फिर पलट कर सिलाई पर ऐसे डाल देंगे, फिर दोनों फंदों को बैक लूप से ऐसे सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से चार चार फंदों को रिपीट करते हुए हम बुन लेंगे। इन चार चार फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये सात फंदे बचे हैं बटन स्ट्रिप के, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। इन स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इस डिजाइन को मैंने आपको सेट करके बता दिया है। ऐसे ही चार चार रोज के डिजाइन को जैसे हमने स्लीव में बुना था, अब आगे बुनते हुए हम इस पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। डिजाइन को डालते हुए यहां तक मैंने इस पार्ट को बुन लिया है। अब यहां तक टोटल मैंने 51 रोज 51 सलाइयां कंप्लीट की हैं। इसको हम यहाँ पे अगर मेजर करें तो जहां से हमने डिजाइन डालना स्टार्ट किया यहां से लेकर यहां तक 6 इंचेस हमने बुन लिया है, 6 इंच यहां तक कंप्लीट कर लिया है। और 51 रोज जो हमने बुनी है, चार चार रोज का हमारा ये रिपीटेशन का पैटर्न था, तो चार रोज में से लास्ट में हम तीन सलाइयां 3 रोज बुन चुके हैं। राइट साइड की रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे आगे पैटर्न नहीं बुनना, अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए टोटल 10 सलाइयां 10 रोज हमें बुनकर कंप्लीट करनी है। और इन रोज को ऐसे ही हम बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे ऐसे और उल्टा उल्टा बुनते हुए राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी, इसी तरह से टोटल ये 10 रोज कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए टोटल ये 10 सलाइयां राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आप यहाँ पे जब रॉन्ग साइड में उल्टी उल्टी लाइंस को काउंट करेंगे तो ये 5 नजर आएंगी, 1 2 3 4 5। अब यहां से इन सारे स्टिचेस को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए देखिए स्टार्टिंग में इन दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, फिर से उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इस फंदे को फिर से इस सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और इंक्लूड करेंगे, उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। तो इसी तरह से हम यहां तक इन सारे स्टिचेस को क्लोज कर देंगे। सारे स्टिचेस को मैंने क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद हम स्लीव की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्लीव को स्टिच करने के लिए ऐसे हम राइट साइड से ले लेंगे, जो थ्रेड हमने यहाँ पे बचाया था इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करने के बाद, इसमें मैंने नीडल को डाल लिया है। अब यहाँ से राइट साइड से इसको हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे इस एज पे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे थ्रेड को पक्का कर लेंगे। इस तरह से थ्रेड को पक्का करने के बाद अब यहां से ऐसे हम इसे पकड़ेंगे। एक बार हम यहां पे
इस तरह से नीडल को इंसर्ट करेंगे और एक बार इस साइड। फिर से यहां पे ये जो हमारा एज है बिल्कुल इसके साथ में ऐसे इन पार्ट्स में ऐसे नीडल को डालेंगे। फिर इस साइड भी इसी तरह से। फिर यहां पे इस तरह से हम यहां से लेकर यहां तक इसको स्टिच करते जाएंगे। दोनों स्लीव्स को स्टिच करके और बटन्स लगाकर मैंने इस बेबी कार्डिगन को रेडी कर लिया है। इस कार्डिगन का फाइनल मेजरमेंट अब हम कर लेते हैं। यहां से चेस्ट से ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच इतना हमारा विड्थ में तैयार हुआ है और लेंथ अप्रोक्सीमेटली 11 इंचेस 11 इंचेस। और यहां से जो स्लीव है ये भी 11 इंचेस। तो अगर आपको ये बेबी कार्डिगन पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।